बिहार में कुछ दिनों बाद पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रखंड में चहलकदमी बढ़ने लगी है। चुनाव की तिथि की घोषणा भी हो गई है। आयोग प्रशासन भी सही समय पर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव आते ही वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है। मामला बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत काहूदाग पंचायत से है, जहाँ के मुखिया दीनानाथ प्रजापति एवं उनके दो सहयोगी के द्वारा इंदिरा आवास रिपेयरिंग की राशि 1,20,000 थी, जिसमें से 40,000 की 3 किस्त में आती है, जिसमें से तीनों किस्तों में कुल मिलाकर 40,000 यानी कि एक किस्त का पैसा मुखिया सहयोगियों ने ले लिया, बाकी के 2 किस्त से आवास को मरम्मत करवाया गया। बिहार में भ्रष्टाचार का परवान किस कदर चढ़ा हुआ है, यह आप खुद सोच सकते हैं। लाभार्थियों ने जिला अधिकारी को आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि आवास की मरम्मति हेतु सरकार की योजना के द्वारा 1,20,000 रुपए आवंटित हुआ। राशि आवंटित होते ही मुखिया दीनानाथ प्रजापति, जो कि ग्राम नौआगर्दन थाना बाराचट्टी के रहने वाले हैं, एवं अपने सहयोगी राजेंद्र सिंह पिता महावीर सिंह तथा जब्बार मियां पिता सादिक अंसारी, जो कि दोनों ग्राम पड़िया थाना बाराचट्टी जिला गया के रहने वाले हैं, हम लोगों के घर आए और 3 किस्त जो कि 40,000 आती है, उसमें से 1 किस्त 40,000 देना होगा। अगर नहीं दोगे तो रिपोर्ट वापस कर देंगे, साथ ही घर भी छीन लिया जाएगा। लाभार्थियों में से एक महिला मल्लो देवी पति किरी चौधरी ग्राम पड़िया की रहने वाली हैं, बताती हैं कि महादलित जाति पासी से हैं। हमारा भी आवास मिला, जिसमें पहली किस्त का पैसा आते ही बैंक में निकलते ही मुझसे जबरदस्ती मुखिया 25,000 रुपए ले लिया। इसके बाद दूसरी किस्त में 5,000 रुपए उनके सहयोगी ने लिया और अंतिम किस्त में से जब्बार मियां भी 5,000 लिए, यानी कि कुल 40,000 रुपए ले लिया गया। इसी प्रकार देवा मांझी बरती देवी, साबो देवी, मतिये देवी एवं धनेश्वर मांझी से ले लिया गया। लाभार्थियों ने जिलाधिकारी के दिए आवेदन में जिक्र किया है कि उपरोक्त घटना की शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी बाराचट्टी से करने का प्रयास किया गया, परंतु मुखिया अपने सहयोगियों के साथ आकर हमें मिलने से रोक दिया गया। साथ ही अभद्र गाली का भी प्रयोग किया और मारपीट करने की बात कहने लगा। बोलने निकला था कहाँ घर हुआ, कितना पैसा दिए मुखिया जी के? मुखिया जी के एक मिनट पे पहला किस्त में दिए 15,000, फिर पिछला किस्त में दिए 20,000, फिर लास्ट में 5,000 रुपये। और टोटल पैसा कितना निकला आप लोगों के? 1,20,000 में 40 ले ही लिया, जो बचा से हम लोग को मिला। अपने से पैसा लेते थे, पैसा अपने से लेते थे मुखिया जी? मुखिया जी तीनों मिल के लेते थे, कर्जकर्ता भी था आई अपने भी थे। कौन कर्जकर्ता थे? राजिंदर सिंह। कहाँ के हैं वो? पड़िया के। अच्छे, वार्ड सदस्य हैं का? जी ना, कुछ उनको कर्ज करता है। तो आप लोग विरोध नहीं किए? विरोध करते थे, फिर आगे चल के बोल काम नहीं होगा। इन साल लिया मिला है तो घर बना है? हल्का पल्का था मेरा, 2 पीस तो मिला एक ही पीस के, लेकिन दोनों में नमसम लगा दी उसने, उसी में पुराल कर लिए। पुराल कर लिए। नाम? देवा मांझी। बताइए आपका क्या नाम हुआ? धनेश्वर मांझी। घर कहाँ हुआ? पड़िया। आपके साथ क्या हुआ है? हमको पास ये हुआ सर कि देख रहे हैं कि इन लोग यहाँ बहुत ही धागा धोक से काम हो लगा हुआ है, तो राजेंद्र जी आई पाई कर देते हैं हमारे गांव में। सरकार जी से पूछो कि सब हो लेता पैसा मिलने के लगा कि खाली काम करे ले थी करके ना जाने थी। इससे मुखिया जी के बड़ी गड़ल पैसा निकला थी है, तो कहीं रिफायरिंग का पैसा नहीं, तो कहीं हम लोग नाम उम है करके, तुम्हारा नाम तो है ये हो, 40,000 मुखिया जी ले तो नहीं तो चलो हम करवा देंगे, हम पैसा देवे कह दी तो हम नहीं देगा, आपका दूसरा आदमी है यार, हम उतने आदमी नहीं जाए, तो हम भी उनको सबको दिन से हम कहाँ पीछे रहे, हम लोग कहाँ निकालेंगे, काम गड़बड़ा जाए, हमके मुखिया जी कहाँ थे? बोले दे यार मुखिया जी सुबह का तो नहीं कैसा सो मुखिया सब ने तो हमारा दे, तो पहले हम निकाले 40,000 रुपया बैंक में जा कर के, सरकारी बैंक। कौन बैंक से निकाले थे? पंजाब नेशनल बैंक से। कहाँ? बाराचट्टी। तो पैसा निकाले तो 40,000 निकाले, तो 25 काट रहा था, हम 4,000 जब दे रहे हैं
ऐसा कि आज़ादी कर दिए, 20 अभी काट लीजिएगा आपको देना ही थी बीस में, तो 20,000 आप आज रख लिए और फिर दोबारा निकल गया तो फिर 10,000 रख लिए। पैसा लेने के लेन देन के बाद कहाँ हो रहा था ये? बैंके में। अच्छा, आपके मुखिया जी कहाँ है? ये हिंजल से है, बोले अपना क्लिनिक पर बैठे हुए हैं, उनको पैसा हम दे देंगे जाकर के, हम खेवाए और फिर यही करो तो अभी से काम वम ना हो तो हम क्या करेंगे भाई साहब, कोई भाई लोग दिए तो हम नहीं दें, हम भी दे दिए। ये बात कौन बोल रहा था? राजेंद्र जी, राजेंद्र सिंह, पंडिया के रहने वाले हैं। तो फिर विरोध होने की आप लोग? तो वही तो धमकी दे दिया फिर नहीं काम होगा, जहाँ विरोध कीजिएगा तो। अच्छा, हम कहा कि सब कोई दे ही रहा था, हम भाई हम ही की बहादुरी की नहीं दें, चलो हम भी जब सब कोई किया था वो भी जाए तो दोबारा भी दिए। जी हाँ, फिर वही आया कि आपको फिर फंड आ गया है, से कम्मा कहला हम कि हाँ कह लिए तो फोटो करावा, ताकि तो कोई जन सेवा की सहायिका जी आके फोटो किए, तो जाइए आपको बिल आ गया होगा तो ले लीजिए। राजेंद्र जी हमको ले गए मोटरसाइकिल बैठा करके। अच्छा, तो फिर मेरी ब्रांच एक होता है डगरा मोड़ पर, वहीं से हम 10,000 अस्सी 20,000 40,000 निकाले तो 10,000 फिर वो ले लिए। जब लास्ट हुआ तो हफ्ता की सबके फाइनल हो गए, हमें नहीं मिले थे विशाल का बिलवा, सब कह के किसे तू बढ़िया इच्छा है तो तरह कैसे देता था। तो जब जब पूछा कि मुखिया जी दें क्या दें, हम क्या देंगे क्या पूछ लिया क्या बदल का ही आओ, तो हाँ जी कौन सी कि थोड़ी दे दिया, तो कल गए कि इसे बोल 10,000 दे सी, यहाँ का पैसा है और निकल तो दे दबाओ, ये क्या कह रहा जेवार मियाँ। तो जेवार मियाँ कह ली यार एक काम कर भाई, बार मिस्त्री उस्त्री पैसा दे रहा है, ये है बालू के नहीं दिलिए, सीमेंट के नहीं दिलिए है, से निकाल दे दे दबाओ। हम कहे मुखिया फिर पूछे कि मुखिया जी कहाँ से, बोले फिर क्लिनिक पर डॉक्टरी करते भी। तो हम फिर नए गए, हम दे दिए किलो दे दिए चाहे खा दे उसे क्या लगा। तो उतना में घर बन गया आपका? सर कुछ बना थोड़ा सा बाकी है प्लस्तर करने, क्या करें अब घर से लगता है कि तो करेंगे कर्जा वहाँ। चलिए ठीक है। आपका रिपेयरिंग किए थे वाला मकान कौन है? अच्छा अच्छा, कितना मिला था पैसा? पैसा मिला 1,20,000। अच्छा, और आने 40,000 खा गया। कौन खा गया पैसा? खा गया छोटनी। कौन है? सर इंजीनियर डॉक्टर। और जवार मियाँ आपको दुए को लेके थे कि उन लोग के कह दिए पैसा? कौन पैसा निकला घूमे से लेके लाओ लाओ से, हम काम नहीं करा कुछ नहीं होगा, हमको पैसा दो तुम, हम लोग दे देंगे। पूछे नहीं किनका देना है पैसा? आप तो किनका देना, आप तो ले लीजिए, आप किसका देगा? किसको देना है पैसा? पूछे थे आ? पैसा जो लिया उन लोग से की बोला सुन, उन लोग जो पैसा लिया वो किसका दिया है? मुखिया जी के। कौन है मुखिया आपका? मुखिया दीनानाथ। कौन सा पंचायत आपका? बहुदा। आप किस गांव में रह रहे हैं? आप किस गांव में रह रहे हैं? पढ़या रहे आया है। चलिए ठीक। क्या समस्या है आपका? समस्या ये है कि रुपये पैसा आएगा। अच्छा, 1,20,000 20,000 में अथी 40 निकल लें, 40 निकल लें तो हमें परी ले लेती भी 25,000। कहाँ पे? बैंक में। अच्छा, और बाकी बच गए 15, तो फिर हम ले लिए। तो तीसरा खाल में अल वो लेती 5,000 35 हम ले लिए। फिर पिछड़ा निकल लें तो पीछे में भी अथी 5,000 जेवार लेती 35 से आओ मांगे चलते 5,000 राजेंद्र डॉक्टर तो नहीं दे। इन लोग क्या चीज का पैसा मांग रहे थे? वो दौड़े धूपे के बोले हम पैसा अथी निकाल लिए, कोलने अथी रिपेयरिंग का पैसा निकाल लियो, तो बोले हमको इतना पैसा चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बात को कौन कहे? राजेंद्र। अच्छा अच्छा, कहाँ का वो? कहाँ का? हम लोग 10 आदमी खाते हैं। कहाँ का रहने वाला है वो? पढ़िए के। अच्छा, और कुछ भी घर से पैसा लगाए और अभी भी पलस्तरा नहीं हुआ है ना। सब जहाँ तहाँ देखा फूटल भांगल, ढूक के देख सका ले ला फोटो घाते में अंगना में ढूक करके देखा एगो घर ही बाकी है, एक भी लेना। क्या नाम हुआ आपका? मालो देवी। कहाँ घर है आपका? पेपड़ी। तो पैसा उन लोग किसको दिया? पूछे कि पैसा जो आप लोग ले रहे हैं किसको दे रहे हैं? ना ना पूछा नहीं, मैंने तो पूछे सब। क्या उन लोग कुछ बोला भी था क्या कुछ?
उन लोग कुछ बोला भी था क्या? नहीं।